हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको जो है ये कुछ न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ। ये न्यूमेरिकल्स है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड है कि किस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कैलकुलेट की जाती है। तो सबसे फर्स्ट है कि फॉर ए कमोडिटी चेंज इन प्राइस अपॉन पी इज इक्वल टू 0.2% है कि किसी भी कमोडिटी का जब हम चेंज इन प्राइस को प्राइस से डिवाइड करते हैं तो ये आता है। एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस में है 0.5। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको दिया हुआ है। फाइंड द क्वांटिटी डिमांड आफ्टर द फॉल इन प्राइस। आपको क्वांटिटी डिमांड जो है वो निकालनी है आफ्टर फॉल इन प्राइस की। जब प्राइस गिर जाते हैं तो रियल में डिमांड क्या होगी। इफ इनिशियली इट वॉज 60 यूनिट, इनिशियली स्टेज पर जो थी वो 60 जो है वो यूनिट थी। तो यहाँ पर हमें गिविन में क्या क्या दिया हुआ है पहले वो देख लीजिए आप। कि गिविन में जो दिया हुआ है वो सबसे पहले हमें दिया हुआ है चेंज इन पी अपॉन पी इज इक्वल टू दिया हुआ है -0.2। ये हमें इसमें दिया हुआ है। और एक हमें दिया हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो दी हुई है -0.5। और एक आपका इनिशियल जो है आपको क्वांटिटी वो भी दी हुई है Q इज इक्वल टू जो है वो 60 यूनिट्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये इतनी चीज़ें हमारे को दी हुई है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू P अपॉन Q इंटू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P। इस फॉर्मूले को हम इस स्टाइल से भी लिख सकते हैं चेंज इन Q अपॉन Q इंटू P अपॉन चेंज इन पी। ये हमारा फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ पर हमें पी और चेंज इन पी दिया हुआ है लेकिन वो लाना है जबकि हमें दिया हुआ क्या है चेंज इन पी अपॉन पी। तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर देंगे। तो इसको रिवर्स करने के लिए क्या होता है कि हम इसको 1 से डिवाइड, जब इसको हम रिवर्स करते हैं तो ये निकल करके आता है पी अपॉन चेंज इन पी। जो हमारा निकल करके आएगा वो आएगा 1/0.2 माइनस के लिए निकल करके आएगा जब हम इसको रिवर्स में करेंगे। तो यहाँ पर ये निकल करके आएगा 1/0.2 जो है वो हमारा हो गया पी अपॉन चेंज इन पी निकल करके आ गया। अब चेंज इन क्यू जो है वो हमें नहीं दिया हुआ है तो चेंज इन क्यू एज इट इज लिखा जाएगा। क्यू दिया हुआ है 60 यूनिट और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दी हुई है हमें -0.5। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर दी हुई है। अब सबसे पहले -0.5 एज इट इज लिखते हैं, चेंज इन क्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, देन चेंज इन क्यू 60 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 से तो ये निकल करके आता है 12। अब 12 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 0.5 से, तो 12 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से तो ये यहाँ पर ये भी माइनस का था, ये भी डिजिट जो माइनस का था तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा प्लस में इज इक्वल टू निकल करके आ गया चेंज इन क्यू। इट मीन्स क्वांटिटी में जो चेंज हुआ वो हमारा कितना हुआ 6 का चेंज हुआ। तो आपकी Q1 क्या होगी आपको वो निकालना है। तो Q1 इज इक्वल टू क्या है Q प्लस चेंज इन Q। तो Q आपको क्वेश्चन में दी हुई है, इनिशियल स्टेज पे आपकी क्वांटिटी 60 थी और चेंज जो हुआ और इस स्टाइल से आपको निकालना है 66। तो वापस क्वेश्चन को देख लीजिए, गिवन क्या है चेंज इन पी अपॉन पी दिया हुआ है आपको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वेश्चन में दी हुई है और एक इनिशियल क्वांटिटी दी हुई है। तीन चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला लगाया चेंज इन की चेंज इन क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई पी अपॉन चेंज इन पी। यहाँ पर इसको जब हम करते हैं तो इसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया जाएगा, रिवर्स करने पर ये 1/2 हो जाएगा, जो 2 है वो 1/2 हो जाएगा। और चेंज इन क्यू नहीं दिया हुआ है लेकिन इनिशियल क्वांटिटी 60 यूनिट दी हुई है और ये दी हुई है इलास्टिसिटी ऑफ। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये माइनस का है तो ये भी आंसर हमारा माइनस में आएगा, माइनस माइनस को करते ही प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वांटिटी में जो चेंजेज हुआ 6 के बराबर हुआ और इनिशियल स्टेज पे क्वांटिटी 60 दी हुई थी। तो हमारा जो आंसर ये आएगा कि जब अगर प्राइस में फॉल होते हैं तो वो 66 यूनिट जो है वो परचेज करने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कंज्यूमर बाय 18 यूनिट की, कंज्यूमर 18 यूनिट परचेज करता है ऑफ ए गुड्स एट ए प्राइस 9। इस मीन्स ये आपकी इनिशियल क्वांटिटी इनिशियल प्राइस।
द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स इज दिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको माइनस वन दिया हुआ है। हाउ मेनी यूनिट द कंज्यूमर विल बाय एट द प्राइस ऑफ 10 रुपीज, तो यहाँ पर आपको क्यू वन भी दिया हुआ है, यूनिट कैलकुलेट आपको ये निकालना है। तो आपको गिविंग क्या है पहले ये देख लीजिए, यहाँ पर गिविंग जो है हमें वो सबसे पहले पी वन दिया हुआ है, पी जीरो सॉरी वो आपका 9 रुपीज है, पी वन जो है वो आपका 10 रुपीज है। अब चेंज इन पी आपको निकालना है, तो चेंज इन पी निकालने के लिए पी वन माइनस पी जीरो इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1 हो गया। क्वांटिटी आपको इसमें जो है वो नहीं दी हुई है, क्वांटिटी आपको दी हुई है 18 यूनिट, क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी आपको दी हुई है, लेकिन क्यू वन आपको नहीं दी हुई है, परंतु आपको इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है वो दी हुई है माइनस वन। तो आप वापस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू इंटू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी माइनस वन है, इज इक्वल टू पी आपका जो इनिशियल स्टेज का प्राइस था वो 9 रुपीज़ है, तो 9 रुपीज़ लिखोगे। क्वांटिटी जो आपकी इनिशियल स्टेज की थी वो 18 थी, चेंज इन क्वांटिटी जो है आपके पास नहीं है कि रियल में क्वांटिटी में चेंजेस कितना होगा, लेकिन प्राइस में चेंजेस हमने निकाल लिया 1 रुपीज़ का होगा। तो सबसे पहले इसको इससे डिवाइड किया तो आया 2, 2 को इससे किया तो ये आ गया -2, तो -2 निकल करके आ गया आपका चेंज इन क्वांटिटी, कि क्वांटिटी में जो चेंजेस होगा वो -2 का होगा। तो अब हमें निकालना है इसमें से Q1, Q1 इज इक्वल टू क्या होगा कि जो आपका इनिशियल है उसमें से आप ये माइनस कर दोगे तो ये निकल करके आ गया आपका 16। इट मींस अगर प्राइस में इस स्टाइल का चेंज हुआ कि प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो कंज्यूमर जो है वो अपनी डिमांड को डिक्रीज कर लेगा। वापस देख लीजिए, पी जीरो दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको, पी वन दिया हुआ है, चेंज इन पी निकालने का फॉर्मूला, पी वन माइनस 10 में से 9 को क्या 1 आया, इनिशियल क्वांटिटी आपको 18 दी हुई है, क्यू वन आपको निकालना है। तो क्यू वन निकालने का फॉर्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको दिया हुआ है माइनस वन, पी आपका 9 था, क्वांटिटी आपकी 18 थी, चेंज आपके पास है नहीं लेकिन चेंज इन प्राइस आपका 1 था, 9 को 18 से कैलकुलेट किया तो 1/2 आपका आंसर निकल गया, 2 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो -2 आया। इट मीन्स क्वांटिटी में जो चेंजेस होगा वो -2 होगा, तो जो आपकी इनिशियल क्वांटिटी है उसमें से आप इस चेंजेस को लेस कर दोगे। ये हमारी थी इनिशियल क्वांटिटी, और उसमें से हम चेंज इन क्वांटिटी को जब कर देते हैं तो ये 16 जो निकल करके आता है वो जब प्राइस में डाउनफॉल होता है तब कंज्यूमर के थ्रू उसको परचेज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो आपको बता रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए गुड इज -1। इट मीन्स यहाँ भी आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दी हुई है, व्हेन इट्स प्राइस ऑफ पर यूनिट फॉल्स बाय 1 रुपीज, इट मीन्स प्राइस में जो चेंजेस आता है वो 1 रुपीज का आएगा, इट्स डिमांड राइजेस फ्रॉम 16 to 18। तो डिमांड में जो चेंजेस आता है वो 16 to 18 आ जाता है यूनिट। कैलकुलेट द प्राइस बिफोर चेंज, आपको यहाँ पर निकालना है कि आपको प्राइस कैलकुलेट करने हैं चेंजेस के भी यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर गिवन क्या क्या है, गिवन आपके पास जो है पी, इट्स प्राइस पर यूनिट फॉल्स, मतलब आपको पी जीरो नहीं दिया हुआ है, आपको पी वन भी नहीं दिया हुआ है, आपको दोनों ही नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आपको चेंज इन पी दिया हुआ है। चेंज इन पी ये कह रहा है इट्स प्राइस पर यूनिट फॉल्स बाय 1 रुपीज, कि प्राइस जो है वो गिर रहे हैं, गिर रहे हैं का मतलब माइनस वन जो है वो आपका चेंज इन पी है, और आपकी यूनिट जो है क्वांटिटी जो है वो 16 to 18 हो जाता है। इट मीन्स क्यू जीरो इज 16 एंड क्यू वन इज 18, देन चेंज इन क्यू इज इक्वल टू आपका हो गया 2, कि 2 रुपीज़ जो है वो आपकी क्वांटिटी चेंज हो जाती है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है -1। अब यहाँ पर आपको वापस फॉर्मूला अप्लाई करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू इंटू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी, ये फॉर्मूला लगाना है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो -1 है, पी जो है हमारे पास वो हमारे पास नहीं है, पी आपके पास इसमें नहीं है, लेकिन क्वांटिटी आपके पास है, इनिशियल स्टेज वाली क्वांटिटी आपके 16 थी,
और चेंज इन क्वांटिटी आपका 2 हो ही रहा है क्योंकि 16 टू 18 हो रही है, और चेंज इन पी ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि प्राइस फॉल्स फ्रॉम 1 रुपीज, इट मीन्स चेंज इन पी आपका 1 आता है। अब आपको इसको इससे क्रॉस करना है, 8 यहाँ पर आया, -1 इज इक्वल टू पी अपॉन -8, माइनस माइनस को किया तो पी इज इक्वल टू आपका निकल करके आएगा 8। तो ये 8 जो था वो आपका प्राइस था बिफोर द चेंजेस इन द प्राइस। वापस समझना है तो एक बार वापस समझ लीजिए कि यहाँ पर Q दिया हुआ है, दोनों ही है, Q1 और Q2 दोनों दिए हुए, चेंज इन Q2 निकाल लिया, ये आपको इसमें दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ है, चेंज इन प्राइस आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1 आपको दिया हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू पुटअप करी, प्राइस नहीं दिया हुआ है लेकिन क्वांटिटी दी हुई है, चेंज इन क्वांटिटी 2 हो ही गया, हमने निकाल लिया क्योंकि 16 टू 18 क्वांटिटी हो गई, मीन्स क्वांटिटी में चेंजेस 2 का आया, चेंज इन पी -1 हुआ है क्योंकि वो खुद ही कह रहा है कि 1 प्राइस में फॉल होता है, और 2 को 16 से कट के 8 आया और 1 अपॉन 8 जो है वो आपके माइनस का आ जाएगा, और इस स्टाइल से आपका इसमें जो है वो चेंजेस जो है इसमें आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो आपको बता रहा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड इज फॉल्स फ्रॉम 15 पर यूनिट टू 12 पर यूनिट, प्राइस का जो फॉल होता है वो 15 टू 12 हो जाता है, इट्स डिमांड राइजेस 25% और पर डिमांड जो होती है वो 25% से इंक्रीज हो जाती है, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, तो सबसे पहले आपको जो Q0 दिया हुआ है वो था आपका 15 और आपका Q1 जो था वो है आपका 12, देन चेंज इन सॉरी हाँ प्राइस है ये P0 है आपका ये और ये आपका है P1। When price of a good falls from 15 per unit to 12 per unit, तो 15 से 12 पर आ गया आपका प्राइस, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 12 minus 15 is equal to -3 जो है वो आपका चेंज इन प्राइस है, चेंज इन प्राइस कितना आएगा यहाँ पर -3 आएगा, तो हमारे को यहाँ पर निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस की रियल में प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो प्राइस में चेंज हुआ वो हमारे कितने का हुआ, -3 का हुआ, इनिशियल प्राइस जो होता है वो नीचे आता है 12 × 100, आपने कट किया तो यहाँ पर ये आएगा आपका माइनस का 25%, माइनस के आपके यहाँ पर जो है सॉरी इनिशियल प्राइस यहाँ पर 15 था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एक बार वापस देख लीजिए इसको, चेंज इन प्राइस निकालना है हमें, चेंज इन प्राइस, तो चेंज इन प्राइस जो निकालता है उसका फॉर्मूला है हमारे चेंज इन पी अपॉन इनिशियल पी इनटू 100, तो इनिशियल तो 15 था, थोड़ा सा गलत लग गया, -3 अपॉन 15 इंटू 100, तो यहाँ पर ये आएगा आपका -20%, ये वाली चीज थोड़ी सी गलत है, तो प्राइस में जो चेंजेस हुआ वो -20%, चेंज इन पी अपॉन P0 इंटू 100 किया हमने, चेंज इन पी मेरा -3 था, P0 मतलब इनिशियल प्राइस मेरा यहाँ पर 15 था और इंटू 100, तो ये मेरा 20% जो है वो निकल करके आया प्राइस में चेंजेस, और डिमांड में चेंजेस वो अपने आप ही कह रहा है कि 25% हुआ, तो यहाँ पर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए एक दूसरा फार्मूला लगाएंगे जो ये कहता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये वाला फार्मूला हमारे द्वारा लगाया जाएगा, तो क्वांटिटी डिमांड में वो कह रहा है कि 25% इंक्रीज होता है, इट मीन्स ये प्लस की है और ये आपके माइनस का है, तो यहाँ पर जो आपका निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा 4 और 5, इट मीन्स 1.25, ये जो है आपका वो निकल करके आएगा यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो प्लस माइनस हमें इग्नोर करना पड़ता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1.25, इट मीन्स इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 जो है आपकी यहाँ पर वो निकल करके आई है, तो फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए, एक दूसरा फार्मूला वो अप्लाई किया मैंने, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस,
जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज था वो इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि वो 25% था, और ये मैंने निकाल लिया, ये मेरा 20% था, तो जो चेंज हुआ वो हुआ 1.25 का जो है वो लेकर के हमारा चेंज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए गुड्स इज -1। यहाँ पर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखी है। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन प्राइस दैट विल राइज द डिमांड फ्रॉम 20 यूनिट टू 30 यूनिट। इट मीन्स ये हो गया आपका Q0 और ये हो गया आपका Q1। आपको वो निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस कि रियल में प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज हुआ। तो यहाँ पर आपको ना तो इनिशियल प्राइस दे रखा है और ना किसी स्टाइल का प्राइस दे रखा है। आपको गिवन में क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको दी हुई है एंड इट इज -1, और उसके बाद आपकी क्वांटिटी है Q0 जो है वो है आपकी 20 और Q1 वो कह रहा है कि 30 हो जाती है। इट मीन्स जो चेंज इन क्वांटिटी होता है वो होता है 10। चेंज इन क्वांटिटी हमारा कितना हो रहा है, 10 यूनिट हो रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की क्वांटिटी डिमांड में रियल में कितना परसेंटेज चेंज हुआ। तो इसका फॉर्मूला है चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इन 200। ये इसका फॉर्मूला है। ये दूसरा फॉर्मूला जब अप्लाई करते हैं तो इस स्टाइल की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। अगर हम वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो हम ये वाला फॉर्मूला पुटअप करेंगे। अब चेंज इन क्यू आपको मालूम है 10 है, 10 क्यू है क्योंकि 20 यूनिट से 30 पर आ गए। इट मीन्स क्वांटिटी में जो चेंज हुआ वो 10 का हुआ। इनिशियल क्वांटिटी आपकी 20 थी, स्टार्टिंग में जो क्वांटिटी होती है वो लिखेंगे इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ पर ये निकल करके आएगा आपका 50%। इट मीन्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो हो रहा है वो आपका 50% हो रहा है। अब आप वापस वही वाला फॉर्मूला लगाओगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हमें यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको दिया हुआ है -1, तो आप लिख दीजिए -1। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है आपका 50, तो 50 लिख दीजिए। यहाँ पर आपको ये नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर इसको आप लिख दीजिए ऐसा का ऐसा ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस, आप ये लिख करके छोड़ दीजिए। अब हम इसको माइनस करते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाता है आपका क्या आ जाएगा, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू 50%। तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो है वो आपका माइनस का साइन होने की वजह से यहाँ पर ये आएगा -50%। तो प्राइस में भी जो चेंजेस होगा वो 50% ही होगा क्योंकि यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी -1 है, तो प्राइस में डाउनफॉल होगा। माइनस में आने का मतलब है कि प्राइस जो है वो 50% से डाउन में जाएगा क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस की है, ये भी आपका माइनस का है, तो ये आंसर जो निकल करके आएगा वो माइनस का आएगा। तो प्राइस में जो चेंजेस होगा वो -50% से होगा।